राजस्थान के झुंझुनू में शुक्रवार को एक अनूठी अंतिम यात्रा निकाली गई। शव तिरंगे में लिपटा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा के साथ चल रहे थे। लोगों में उत्सुकता हुई कि कौन शहीद हो गया है, लेकिन जब अर्थी पर शव देखा तो हर कोई संवेदनाओं से भर उठा। ये शव था राष्ट्रीय पक्षी मोर का, जिसे शहीद की तरह अंतिम विदाई दी गई। युवाओं ने मोर की शव यात्रा निकालकर सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर शमशान घाट पहुंचाया। दरअसल झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो एक जगह से उड़कर दूसरी ओर जा रहा था, इसी दौरान वो बीच में जा रही 11,000 केवी की बिजली की लाइनों से चिपक गया और उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कोतवाली, वन विभाग और पशु चिकित्सकों को घटना की सूचना दी। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि बिजली के करंट लगने के बाद काफी कोशिश की गई मोर की जान बचाने की, लेकिन करंट इतना तेज था कि मोर की जान नहीं बच पाई। पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल खीचड़ ने बताया कि सुबह मंडावा रोड पर राष्ट्रीय पक्षी मोर को करंट लग गया था। सूचना पर वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने इलाज किया, लेकिन मोर को नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मोर के लिए अर्थी तैयार की गई। राष्ट्रीय पक्षी के शव को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया। डीजे के साथ शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा मंडावा रोड से रवाना होकर इंदिरा नगर स्थित शमशान घाट पहुंची। यहां पर मोर को नियमों के अनुसार दफनाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।